हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में मैं मॉडल्स का दूसरा वीडियो, और पिछले वीडियो में हमने कैन और मे के बारे में जाना था, और इस वीडियो में हम इनका जो पास्ट फॉर्म होता है या फिर अलग से मॉडल्स होते हैं जिनका नाम है कुड और माइट, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले मैं आता हूँ कुड पर, यूज़ ऑफ कुड। पहला जो यूज़ ऑफ कुड है वो आपका है द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन के पास्ट फॉर्म को हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कैन का यूज़ होता है कि मैं गाना गा सकता हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। अगर मुझे इसको पास्ट में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँ, मैं गाना गा सकता था, तो मैं गाना गा सकता था, तो आप यहाँ पर कुड यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव के लिए मॉडल देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं पहले ही आपको बता दिया, टेंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुड का बता दूं, मैं गाना गा सकता था, मैं गाना गा सकता था, आई कुड सिंग अ सॉन्ग, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। तुम बोल सकते थे, तुम बोल सकते थे, यू कुड स्पीक। तुम बाजार जा सकते थे, तुम बाजार जा सकते थे, यू कुड गो टू मार्केट, यू कुड गो टू मार्केट। तो इसी के साथ मतलब ये मैंने आपको बताया पहला यूज कैन का पास्ट फॉर्म कुड। अब सेकंड कुड, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कुड का यूज आप करेंगे वो कैन के पास्ट फॉर्म में ही करें, कुड का अपना भी एक सिस्टम होता है। तो जी हाँ, तो कुड का दूसरा सिस्टम है जब मे का। मैंने आपको बता दिया कि मे आप जब किसी से बहुत पोलाइट हो जाते हैं तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप, तो उसी तरीके से कुड का यूज़ भी आप रिक्वेस्ट करने में करते हैं। लेकिन कुड का यूज़ आप बहुत ज़्यादा पोलाइट जब हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट, जैसे कि भई अगर आप मेरी मदद कर देते तो अच्छा रहता, आपका लाख एहसान रहता, जब हम इस तरीके से इस सेंस में बात करते हैं, इस मूड में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कुड यू हेल्प मी सर, कुड यू हेल्प मी सर, क्या सर आप मेरी मदद करेंगे, अगर मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता, ये हिंदी में बोलना है। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं कुड यूज़ कर रहा हूँ, किसी से हेल्प मांग रहा हूँ, तो सेंस वो ही होगा, सेंस वो ही होगा, कुड यू हेल्प मी सर या कुड आई हेल्प यू सर। आप किसी को हेल्प दे सकते हैं और मांग सकते हैं कुड के साथ। तो कुड में आप किसी को हेल्प देना या मांगना मीन्स आप रिक्वेस्ट करते हैं, कुड में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मोर एंड मोर पोलाइट चीज़ कहलाती है। और इंग्लिश में वैसे भी जब आप बोलते हैं तो आपको पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुड का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात, ये था आपका कुड का यूज़। अब आते हैं यूज़ ऑफ माइट, यूज़ ऑफ माइट। तो भैया सबसे पहले तो जो माइट का यूज़ होता है वो मे का पास्ट फॉर्म के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो पहला यूज़ है पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट का यूज़ पहला कैसा होगा कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे के पास्ट फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, लेकिन माइट का यूज़ हम रिमोट पॉसिबिलिटी में करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, मतलब रीजन भी आ गया साथ में। आप सिंपल ये समझो कि रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कोई एक्सप्लेनेशन के साथ वो चीज ऐसा हो जाए पॉसिबिलिटी के साथ, तो हम उसको मान सकते हैं ये रिमोट पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए बादल भले ही साफ है लेकिन क्या होता है कि मौसम ऐसा हो रहा है कि उस वजह से बारिश हो सकती है। बादल भले ही साफ हो लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बारिश हो सकती है। तो ये है आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी। और नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है, नॉर्मल बात है कि भाई बात सबको देख रहे हैं बादल हो रहे हैं, हाँ तो बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है कि रिमोट पॉसिबिलिटी में ये कह रहा हूँ मैं कि भले ही बादल क्लियर हो साफ हो लेकिन मौसम बदल रहा है, रीजन क्या है, मौसम बदल रहा है इसलिए बारिश हो सकती है। समझ में आई बात, स्काई इज क्लियर बट वेदर इज चेंजिंग, इट माइट रेन, इट माइट रेन। समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं एक और दे लेता रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, शायद आप सो रहे होंगे, शायद आप सो रहे होंगे, तो मतलब मैंने आपको फोन करा आपने फोन नहीं उठाया, आपको लग रहा है कि आपने इसलिए फोन उठाया कि आप उस टाइम पर सो रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर रीजन दिया, मतलब एक चीज बताई थी रिमोट पॉसिबिलिटी है। आई कॉल्ड यू, यू डिडंट पिक अप, यू माइट स्लीप। आई कॉल्ड यू, यू डिडंट पिक अप, यू माइट स्लीप।
यू माइट स्लीप, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये अब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। तो ये आपका समझ में आ गया, आपको पहला यूज़ क्या होता है आपका, पहला यूज़ होता है पास्ट फॉर्म ऑफ में, और दूसरा यूज़ क्या होता है आपका रिमोट पॉसिबिलिटी में माइट का यूज़ करते हैं। सो होप यू गाइस आपको ये कुड और माइट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। तो गाइज अगर आपको कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिए इस वीडियो के रिगार्डिंग। और हाँ, इंग्लिश प्रैक्टिस करिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस कोर्स को शेयर करिए, उन्हें रिकमेंडेड करिए और परचेज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।